राधे राधे कृष्ण राशि के चैनल में आपसे मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी कृपा से आप सब ठीक होंगे। ये मुझे पार्सल आया है यूट्यूब से और इनका चैनल है मतलब कि राधे सखी चित्रा। इनका नेम है राधे सखी चित्रा। इनका यूट्यूब चैनल का लिंक और नंबर आपको दिख रहा है, नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और इनके यहाँ से भी ड्रेस आई है, ये मैंने अभी अभी ओपन कर लिया है, ये देखिए। और ये आई है विंटर की ड्रेस है, क्योंकि अभी से ऑर्डर देंगे तब बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि एकदम विंटर में सब ऑर्डर देते हैं तो फिर नहीं हो पाता, इसलिए पहले से ही आप ऑर्डर दोगे तो ड्रेसें बननी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अभी 2-3 महीने रह गए हैं फिर सर्दियाँ आई जानी है। तो जिसको भी सर्दियों का ऑर्डर देना है, अपनी ड्रेस का ऑर्डर देना है, तो आप ये नंबर आपको शो हो ही रहा है, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनका लिंक यूट्यूब का और ये नंबर डाल दूंगी। जिसको भी बनवानी है अपने साइज के हिसाब से बनवा सकते हैं। तो मैं आपके सामने खोलती हूँ और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो मैं ये निकालती हूँ, किस किस की भेजी है इन्होंने, ये आपके सामने हो जाएगा। ये इन्होंने 4 भेजी है लग रहा है, लड्डू गोपू लाडली और गोपी की, बिहारी नहीं नहीं 4 यहाँ तो ठीक है। ये वाली है 5 नंबर की कान्हा जी यानी मेरे गोपू की। तो खोलते हैं, इन्होंने मुझे साइज इसलिए हो सकता है सबका, मतलब साइज कह रही हूँ कलर इसलिए हो सकता है सबका अलग अलग भेजा है कि आपको एक पता लग जाए कि अलग अलग कलर में भी कैसे सुंदर सी लगती है ड्रेस, वरना तो एक ही रंग में बना के ये मुझे भेज सकते थे, लेकिन अलग अलग कलर इसलिए भेजा है इन्होंने कि भाई आप सबको भी पता लगे कि देखो वाइट कलर में कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए। और ये बटन है, आराम से खुल जाएगा, ये देखो। तो साइज आराम से मेरे गोपू को आएगा, परफेक्ट साइज है, वो दिख रहा है मुझे, क्योंकि वरना मैं कोई भी अगर लगता है कमी तो मैं बता देती हूँ, वीडियो में क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ से बंद हो जाएगा और देखो कितने सुंदर लग रहा है। तो ये है ऊपर की टॉप, नीचे की पैंट और ये प्लाजो पैंट है कितनी प्यारी सी लग रही है। और ये टोपी, और टोपी का साइज ही परफेक्ट है, वरना कई लोग तो इतनी बड़ी टोपी करते हैं अंदर का घेरा छोटा सा कर देते हैं, लेकिन मस्त है एकदम, 4-3-4 उंगली आराम से आ रही है, खुली टोपी है। बालों पे लगाओगे, सर्दियों में बाल लगाते हैं तो आराम से आएगी। तो मुझे तो देखते ही मन आ गया, जैसे होता है ना दिल आ गया, मेरा जो कहना होता है जब मुझे ज़्यादा चीज़ अच्छी लगती है तो दिल आ गया। तो बहुत सुंदर है और देखो कितना सुंदर लग रहा है, वाह। और ये है मेरे लड्डू बाबू की, तो कोई बात नहीं, अलग अलग है तो अलग अलग पहना देंगे, डेली में तो वैसे भी अलग अलग ही पहना देते हैं। तो ये इससे बड़ा साइज है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है कि 5 नंबर का थोड़ा छोटा 1 इंच और 6 नंबर का 1 इंच बड़ा। तो सेम है, यहाँ से खुल जाएगा, ये देखो, और कितना आराम से आएगा, देखो आपको दिख रहा है मेरी ही 2 उंगलियाँ आराम से आ रही, फिर भी स्पेस है। तो इस चीज़ की चिंता ना करें, बहुत अच्छा हैंडमेड है ये, कोई वैसे नहीं है, मशीनों से नहीं बना हुआ, वो खुद से बनाती हैं। तो मेरा तो देखते ही, मतलब जब साइज मुझे परफेक्ट दिख जाता है ना तो मन होता है कि वाह। और देखिए इस पे आराम से नाड़ा भी है कि अगर ढीला हो तो हम टाइट कर लेंगे, देखिए ये नहीं कि ऐसी कर दिया तो ढीला बुझ। तो ये सबसे अच्छा लगा मुझे, बहुत ही सुंदर है चित्रा जी, बहुत ही सुंदर है, वाओ पीस होता है ना वाओ, वो है। अगर कोई चीज़ अच्छी होती है तो मेरे को वो चीज़ बार बार बोली जाती है मुँह से, और मैं बोलूँगी क्योंकि मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं उस शब्द को बोलती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे गोपू और लड्डू की कितनी सुंदर सी ड्रेस है, A1 ड्रेस है, बहुत सुंदर। तो मुझे तो बहुत पसंद आई, अब देखो क्योंकि अभी तो मेरी गोपी आई है तो मेरे पास सेम ड्रेसें नहीं होंगी किसी की भी, तो देखते हैं, हो सका तो मैं भी ज़रूर से बनवाऊँगी। और अब आपको दिखाते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल मेरे गोपू सॉरी लाडली और गोपी की ड्रेस, सेम डिज़ाइन, दोनों अलग अलग डिज़ाइन सब करें, वाओ ये देखो, मतलब डिज़ाइन ऐसा है ना, और फिनिशिंग देखो किसी परफेक्ट प्रोफेशनल ने जैसे बनाई हो, देखिए जरा सा भी आपको गाढ़ धागा कहीं नहीं दिखेगा, इतनी सुंदर, मतलब कि इतनी फिनिशिंग है इनके हाथ में, वाओ क्वालिटी है वाओ, और ऊन भी वाओ वाली है, सॉफ्ट, ये देखो बहुत सॉफ्ट है। और ये ऊन वो होती है जो गुलगुले से लगते हैं बिल्कुल, मतलब बहुत गुलमुली छो बाबूचे लगते हैं। और यहाँ से भी कितना अच्छा साइज बनाया, वरना कई लोग इतना छोटा बनाए थे, आराम से आ जाएगा साइज के अकॉर्डिंग 5 नंबर 6 नंबर, ये देखो ये देखो, तो बहुत अच्छा है ये रहा, ये कैप है, कैप भी बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर सी है। तो एक ड्रेस ये है, ये देखो पीछे से भी
फिनिशिंग कितनी है ये देखो। और एक ड्रेस है ये पर्पल एंड वाइट, कलर कॉम्बिनेशन भी बेस्ट बना रखे एकदम मस्त वाले। तो ये इस कैप ऐसी बना दी है छोटी, पर ये अंदर से काफ़ी बड़ी है, देखो कितनी बड़ी है, अच्छी है, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। इसमें डिज़ाइन अलग है और इसमें डिज़ाइन अलग है, देखिए मैं दोनों आपको दिखाऊं है, जैसे फ्लावर पैटर्न में ही है लेकिन अलग अलग है। इसमें लीव्स वाला आ गया, इसमें कुछ ट्रायंगल शेप में जैसे वो लीव होती है दूसरी वाली वो आ गया है, और ऊपर भी है, देखो कितनी मेहनत वो दिख रही है, और इतनी फिनिशिंग तो हैंडमेड में ही हो सकती है, तो हाथ की बनी हुई है, बहुत सुंदर है। तो देखो बहुत, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। देखो मैं आपको एक एक चीज़ बिल्कुल पास से और क्लियर दिखाती हूँ, कोई डाउट ना रहे, और किसी को भी बनवानी हो तो आप ज़रूर से बेझिझक बनवा सकते हैं, ऑनलाइन का काम है तो। और बाकी मैं इनका वीडियो का लिंक डाल दूँगी, या मतलब यूट्यूब का लिंक डाल दूँगी, ज़रूर से आप देख लेना। और अगर आप ऑर्डर देना चाहते हैं तो अभी से ऑर्डर देना, क्योंकि फिर सबके भीड़ लग जाती है, फिर ऑर्डर टाइम पे नहीं आते हैं, क्योंकि सर्दियां स्टार्ट होगी, 2-3 महीने यूँ ही निकल जाते हैं, पता ही नहीं लगते, तो इन चीज़ों में टाइम लगता है। ये देखिए तो ये चारों ड्रेस हैं जो बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच चित्रा जी, आपकी ड्रेस मुझे और मेरे बिहारी जी परिवार को, मतलब बिहारी जी लड्डू को, फुल हार्डी को, सबको बहुत ज़्यादा सुंदर लगी है। तो कभी हुआ और भगवान ने चांस दिया तो मैं भी खुद से बिहारी जी की आपसे ड्रेस बनवाना चाहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो थैंक यू सो मच, जय श्री राधे। बताना ज़रूर सभी कि आपको कैसी लगी।